हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जब से मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था। कल मैंने चाय वगैरह पी ली थी और बाकी के सारे काम रह गए थे, तो अभी 10 बज गए हैं, 10:30 हो रहे होंगे। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना लेती हूँ। कुकर वगैरह लगा लिया था मैंने, चाय पीने के पहले ही लगा लिया था, कुकर वगैरह लगा लिया था और सब्जी रह गई थी मेरी, दाल चावल बन गए थे। तो बस रोटी बना लेती हूँ यहाँ पर, और रोटी बनाने के बाद बाकी के जो सारे काम है ना, सारे वही बाकी है सफाई के। एक तो फिर बहुत दिनों के बाद घर में आई हूँ ना, तो घर में बहुत धूल वगैरह सब सभी कुछ हो गया है, तो मुझे आराम से ही करना है सारा कुछ। तो इसलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर सफाई करूँगी। और ये टोकरी तो मैं ले आई हूँ रोटी रखने के लिए, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसका कलर जा रहा है ना, तो फिर इसलिए अभी नहीं रखूँगी, उसको धो के बाद में रखूँगी। उसका लाल कलर जो है ना वो छूट रहा था, तो फिर मैंने नहीं रखी उसमें रोटी, दूसरी तरफ रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है, और सब्जी ना खुशी बनाएगी। खुशी अभी 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 कॉलेज से आई है, तो उसको मैंने पूछा तो वो बोल रही है कि मैं बना लूँगी मम्मी सब्जी। तो कह रहा बनाती रहेगी ना, तो उसके हाथ में रहेगी ना चीज़ें, तो फिर वो करती रहेगी, तो फिर उसको आता रहेगा और बेटर बेटर बनती जाएगी उसमें। इसलिए फिर सब्जी बोल देती हूँ कभी कभी, कोई थोड़ी सी रोटी बोल देती हूँ बनाने के लिए उसको। उसको ना आता है बनाना सब्जी रोटी, सभी कुछ अच्छे से बना लेती हो, लेकिन जितनी प्रैक्टिस रहती है ना, तो उतनी ही चीज़ों में हम बेटर बनते हैं ना। बस इसी वजह से ना उसको बीच बीच में बनाने के लिए बोलती रहती हूँ, और करती है वो। उसको बोलती हूँ ना तो बना लेती है, नहीं बोलती नहीं है वो। तो आज भी उसको बनाने आई ना, वो कॉलेज से तभी पूछा बनाएगी क्या सब्जी, तो उसने हाँ बोल दिया, तो इसलिए फिर मैंने रोटी ही बना ली। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी जो है ना किचन में ही जाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बेटी हमेशा किचन में दिखे मुझे। बस मुझे इतना लगता है कि बस उसे बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। किचन ना हमारे पूरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी भर हम किचन में निकाल दें ऐसा नहीं होना चाहिए बस, लेकिन ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। ये कपड़े ना पहले कुछ है जो फोल्ड के रह गए थे, धोकर चली गई थी, और कुछ बैग में से निकले हैं, बैग में से निकले हुए कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। धुले हुए हैं, वहाँ से सारे कपड़े धोकर लेकर आ गई थी। अब पूरी बैग धुली हुई है, तो पूरी बैग खाली कर ली है यहाँ पर, और सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और अपने अपनी जगह पर रख रही हूँ। नए कपड़े जो है उधर रख दूँगी अलमारी में ले जाके, और जो पुराने डेली यूज़ के कपड़े वो इधर रख दूँगी। तो सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब बस रख देती हूँ। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या 8-10 दिन के लिए भी जाते हैं ना, तो बस सबसे ज़्यादा जो चीज़ें घर में बिखरती है ना, तो वो कपड़े होते हैं। मेरे घर में तो यही सीन रहता है, बाहर से जब भी आती हूँ ना कहीं से, 2 दिन के बाद भी क्यों नहीं आती है, तो घर में ना हर तरफ कपड़े ही कपड़े होते हैं। बेड पर कपड़े, सोफे पर कपड़े, पलंग पर कपड़े, हर तरफ कपड़े ही कपड़े होते हैं। और ये कपड़े सारे इतने बिखर जाते हैं ना कि 2 दिन मुझे कपड़े समेटने में लग जाते हैं। नए पुराने कपड़े अपनी अपनी जगह पर रखने में 2 दिन मेरे चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे कपड़े रख दिए हैं, नए कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं, और पुराने जो डेली यूज़ के कपड़े हैं ना, वो सारे मैंने इस वाले अलमारी में सेट कर दिए हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ। बिस्तर मैंने फोल्ड किया था सुबह, ऐसा उठा के अंदर नहीं रख दिया था, और यहाँ पे अब मैं रख देती हूँ। इसी वजह से ना मैंने खाना जल्दी बना लिया है पहले, और बाद में सफाई की मैंने शुरुआत की है, क्योंकि जब खाना बन जाता है ना, तो फिर किसी का टेंशन नहीं रहता है भूख लगी भूख लगी, तो फिर बीच में से हमें लगता नहीं है कि चलो खाने को देर हो जाएगी। बस बना के रख दिया है, और बस आराम से अपनी सफाई अब चलती रहेगी। और इतने दिन के बाद घर की सफाई कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गई है घर में, तो सफाई को भी ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पर देखिए बेडशीट मैंने निकाल दी है, इसको चेंज कर लेती हूँ। ये बेडशीट बस जब मैं गई थी ना, तब से यही बेडशीट से, इन्होंने कुछ चेंज वगैरह नहीं की है बेडशीट को, तो बस अब मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बाद में करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पोछ सब साफ करती हूँ ना, उसके बाद लास्ट में मैं बेडशीट बिछाती हूँ। कभी भी शुरुआत में ही बेडशीट बिछा के मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो बस वही धूल फिर बेडशीट पर जम जाती है। तो इसी वजह से ना झाड़ू वगैरह सभी कुछ होने के बाद भी मैं बेडशीट जो है बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा जो टेबल पर वगैरह सारे ही कुछ बिखरा पड़ा था सामान, तो बस वो भी रख दिया मैंने। और ना पूरे रूम में के जाली निकाल लेती हूँ ऊपर से, और उसके बाद फिर फर्श पे झाड़ू लगाऊंगी। सारे खिड़की में, सज्जे पर, हर तरफ ना थोड़े थोड़े जाले लग गए हैं, तो सारे ही जाले निकाल लूँगी एक बार, और फिर नीचे से झाड़ू लगाऊंगी ना, तो पूरा घर जो है ना, रूम जो है साफ़ हो जाएगा। बस कहीं बाहर से आते हैं ना, तो इसी तरीके से सफाई करती हूँ मैं, और जब तक ऐसी सफाई नहीं करती हूँ ना, तो मुझे घर में चैन नहीं आता है। घर में ना मुझे हर तरफ धूल दिखती है, हर तरफ जाले दिखते हैं, तो मुझे ना बहुत चिड़चिड़ होती है अंदर से ना। बस इसी वजह से मैं पहले यही काम करती हूँ, बाद में ही बाकी के सारे काम करती हूँ, सफाई का काम पहले कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए उस रूम की सारी सफाई हो गई है, झाड़ू भी लग गई उस रूम की, तो बस इस रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। और इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है मुझे, इसकी भी उन्होंने चेंज नहीं की, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बस इस बार ना 2-3 बार उन्होंने घर को झाड़ू लगाई थी, वरना हमेशा तो इतना भी नहीं करते है वो। जैसा घर छोड़ के जाती हूँ ना, उससे ज़्यादा गंदा करके रखते हैं, हर तरफ ना सारी चीज़ें बिखरी होती है, और मैं आकर ही सबसे पहले चिड़चिड़ शुरू कर देती हूँ। तो इस बार लेकिन उन्होंने किया है, ठीक ठाक कर दिया था, तो मुझे चिड़चिड़ नहीं हुई इस बार।
तो यहाँ पर ना बेड को भी मैं हटा के झाड़ू लगा लेती हूँ। बेड के पीछे भी जाले वगैरह लगे जाते हैं और बेड के नीचे से भी जाले लग जाते हैं। ये बेड पूरा नीचे से खुला है ना, तो बेड के नीचे से भी जाले लग जाते हैं, तो बेड के नीचे से भी झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब बेड को भी जाले लग जाते हैं नीचे से, तो उसको भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। तो बस अब इस रूम की झाड़ू बाकी है और हॉल बाकी है। किचन तो पहले ही हो गया था मेरा, किचन को सफाई की इसमें शामिल नहीं करती मैं। किचन का काम सबसे पहले निपटा लेती हूँ और उसके बाद ही बाकी घर की सफाई जो है ना हाथ में लेती हूँ। किचन की सफाई को वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है, अगर इसके साथ उसको जोड़ देना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। किचन की जब भी सफाई करती हूँ ना तो बस खाली किचन की करती हूँ, और वैसे दो इसमें दो पार्ट में मैंने बांट लिया है काम को। इस घर की सफाई करती हूँ ना पूरे, तो पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, और किचन की करती हूँ तो बस खाली किचन की करती हूँ। दोनों एक साथ नहीं होती है मुझसे, ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना नहीं होता है मुझसे, एक एक से ही करती हूँ मैं, जितना होता है ना मुझसे उतना ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हॉल की सफाई कर लेती हूँ। जो कांच का शेल्फ है उसको साफ कर लिया, सारे जो फ्लावर है उस पर उसके उसको साफ कर लिया, टेबल वगैरह साफ कर लेती हूँ, और जो चेयर्स है ना चेयर्स को भी साफ कर लेती हूँ, और यहाँ पर ना झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ऋषभ का पिज्जा आ गया है और उसको यहाँ पर बैठ के खाना है, तो मुझे यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगानी होगी। ऋषभ ना रास्ते भर से, मतलब कल आए ना हम तो बस रास्ते में ही बोल रहा था कि हम पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे खाने के लिए, तो कल से उसका पिज्ज़ा पिज्ज़ा ही चल रहा था, तो बस आज उसने करने को बोल ही दिया, तो बस यहाँ पे आ गया है, तब वो खाएगा आराम से। उसने नाश्ता नहीं किया है सुबह से, क्योंकि उसको पिज्ज़ा ही खाना था, उस जिद पे बैठ जाता है ना तो बस उसको देना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरी झाड़ू लग गई है सारी ही। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही सारा सामान उठा लिया था यहाँ से, लेकिन ऋषभ ने फिर से कर दिया है। और वो क्या करता है ना, मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ ना बस वैसे ही ट्राईपॉड लेता है और वैसे ही वो वीडियो बनाता है। बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है उसमें, वो बहुत अच्छे तरीके से वीडियो भी बना रहा है। सही भी है, बच्चे हमारा ही तो सीखते हैं, जैसा हम करते हैं ना बस वैसे ही बच्चे करते हैं। हम जैसा बोलते हैं जैसा सिखाते हैं ना बच्चे को, वैसे बच्चे नहीं करते, लेकिन हम जैसा करते हैं ना बच्चे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेडशीट बिछा ले रही हूँ मैं, और बेडशीट ना इतने पक्के तरीके से बिछाती हूँ ना तो 2-3 दिन तक ये हलती भी नहीं है जगह पर से उसके। तो देखिए इस रूम की अब बेडशीट बिछाना हो गई है मेरी, और दूसरे रूम की बिछा देती हूँ, और उसके बाद फिर मेरे सारे काम हो गए हैं सुबह के नहीं, 1 बज गया है अब ये काम करते करते, मुझे सफाई करते करते 1 बज गया है। सारी सफाई की है मैंने, लेकिन सारा कवर नहीं कर पाते हैं एक वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो आज का ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड।